और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज का स्पेशल टॉपिक रखा गया है आपके लिए। कहते हैं ना, नॉलेज इज द पावर, ज्ञान वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती, हमेशा आपके साथ रहेंगे, इसलिए उसको ऑलवेज अपग्रेड करते रहना चाहिए। सो आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए टाइम टू टाइम हम मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग लाते हैं। जैसे लास्ट ट्यूसडे को हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था इस प्रोडक्ट के जो इन्वेंटर है एस एम राजू सर का। एंड आज मैं क्या कहूँ कुट्टी साहब के बारे में, ही इज द साइंटिस्ट, इन्होंने ह्यूमन बॉडी के बारे में जिसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं उसके बारे में 3 decade मतलब 30 years रिसर्च किया है इन्होंने ह्यूमन बॉडी के बारे में, कैसे काम करता है, कैसे होता है एंड क्या जरूरत है, कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऑल दोज टेक्निकलिटी। हम कहे तो कि आपके बॉडी के एक एक पार्ट के बारे में उन्होंने रिसर्च किया है, तो उनसे बेहतर इन डिटेल्स में कोई समझा नहीं सकता। तो हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर थॉमस कुट्टी के द्वारा आज हम जानेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब का। स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू एंड वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलता हूं और आई होप एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन आंसर होगा देन यू विल हैव इनफ टाइम टू आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच Tunnaji for organizing the meeting, and every Saturday at same time every week we will have different subjects or different organs. So try to be punctual क्योंकि short time का classes होगा but काफी technical और informative होगा। Thank you very much. Once again welcome all of you. देखिए आज हम जो class में बोलने वाला है कि वो ये है कि बेसिकली हमारा जो काम है या वेद एलिक्सर का जो मोटिव है, हर एक व्यक्ति को अपनी बीमारी मुक्त जीवित रहना है। आई मीन टू लिव ए हेल्थी लाइफ टिल द एंड, मरते दम तक हेल्थी रहने का नॉलेज, जानकारियां हम आपको दें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए क्या जानना होगा, ह्यूमन एनाटॉमी जानना होगा, हमारा बॉडी कैसे काम करता है। नॉर्मली मैं अपने क्लासेस में ये बोलता हूं कि किसी भी इंसान का लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होता है। एक सिंगल सेल से माँ की पेट में शुरू होता है और वो एक सेल डिविजन मल्टीप्लिकेशन के जरिए 9 महीना 9 दिन और 9 घंटे में 78 ऑर्गन डेवलप होके एक फुल ग्रोन बेबी पैदा होता है। सभी को मालूम है ये बात, बट ये सेल की डिविजन मल्टीप्लिकेशन कोई ध्यान नहीं देता। अगर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग सबको बोलते हैं सेल रीजनरेशन, अगर जेनेटिक डिफॉल्ट कहीं भी हो गया, ये मतलब 9 महीने में बच्चे का जो सेल डिविजन मल्टीप्लिकेशन में कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ, जैसे कि टाइप 1 डायबिटिक है, समझ लीजिएगा। टाइप 1 डायबिटिक में क्या होता है, किसी का पैनक्रियास ठीक से फॉर्मेशन नहीं हुआ, या वो पैनक्रियास इतना सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, अगर उसका सेल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, टाइप 1 डायबिटिक हुआ, वो जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता। मैं क्यों ये बात बोलता हूं कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग ठीक नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर
टाइप 2 डायबिटिक है तो 100% रिवर्सिबल है, वही मैं आपको समझाने वाला हूं आज। क्योंकि जब बच्चा पैदा होने के बाद ये सेल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो है मरते दम तक चलते रहता है, जिसके लिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और नींद, नींद दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रात को रेस्ट लेना होता है, जिस तरह से आप पौष्टिक आहार खाते हो उसी तरह से रात का टाइम जो है 6 घंटे का परफेक्ट नींद होना चाहिए, जिसमें 6 घंटे में जो 3 घंटे होता है वो 12 बजे से 3 बजे तक गहरे नींद में होना चाहिए। अगर ये 3 घंटा गहरे नींद में नहीं है, हमारा ग्रोथ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होता। एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से, हमारा सोच और विचार के अनुसार, हमारा थॉट प्रोसेस के अनुसार ही हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होता है। वो हॉर्मोन जैसे भूख लगता है, जैसे गुस्सा आता है, जैसे प्यार आता है, तो हर एक सोच थॉट प्रोसेस के अनुसार हमारा हॉर्मोन भी प्रोड्यूस होता है, ये भी समझ लीजिएगा। और ये सेल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जिसका ठीक तरीके से हुआ वो जिंदगी में बीमार भी नहीं हो सकता, जिंदगी में वो बीमार नहीं हो सकता। एक्सीडेंट हो सकता है, हड्डी टूट सकता है, अगर आपकी हर एक ऑर्गन का सेल टाइमली रीजनरेट हो गया तो आप बीमार नहीं हो सकता। क्योंकि आपका TLC बोलता है ना, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, अदरवाइज नोन एज नेचुरल किलर सेल्स, हमारा ब्लड के अंदर RBC WBC होता है, वो WBC के अंदर 5 तरह का जो सेल्स होता है जो इम्यून बोला जाता है, ये 5 सेल की कॉम्बिनेशन को रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर में घुस बैठने वाला किसी भी तरह का वायरस बैक्टीरिया फंगस को रोकने का काम हमारा TLC का है। अगर हमारा TLC मजबूत है, हेल्थी है, तो कोरोना वायरस भी हमारी बॉडी में आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। अगर मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो आपको किसी तरह की नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी का हर एक सेल मरते दम तक, पिछले हफ्ते भी किसी क्लास में किसी ने बोला सर 21 के बाद भी रीजनरेट होता है क्या? देखिए 21 तक, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को छोटा दिखाने के लिए बोलता हूँ। 21 तक ग्रोथ का परसेंटेज, ग्रोथ मींस स्केल्टन ग्रोथ, जो हड्डी का ग्रोथ है, हाइट बढ़ता है, ये सब 20-21 साल तक ही होता है, मेल हो फीमेल हो, हाइट या स्ट्रक्चर तब डेवलप होता है। हमारा जो ब्रेन जो होता है डेवलप होता है या कैरेक्टर डेवलप होता है वो 7 साल में, पैदा होके 7 साल के अंदर बच्चे चोर बनना है या साइंटिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, जो कुछ भी बनना है वो पहला 7 साल तक हो जाता है। 7 साल के बाद बच्चों को मारने पीटने या कुछ पनिशमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। जो कुछ भी आपको बच्चे को सिखाना है या मॉड्यूलेट करना है वो पहला 7 साल तक होनी चाहिए, उसके बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसी तरह हमारा हर एक सेल, देखिए एक सेल से इतना बड़ा सेल, 3.5 किलो का बच्चा पैदा होता है या 3 किलो का पैदा होता है, तो ये सेल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के जरिए ही ये ऑर्गन सारा डेवलप होता है और ये प्रोसेस चलते रहता है।
और इसके लिए बेसिकली हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आपको ब्रीथ करना होता है? ब्रीथ हम लोग करते नहीं है क्योंकि हमेशा मसल पकड़ के बैठे रहते हैं। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं? डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, एक सिंगल डीप ब्रीथ में हमारी बॉडी के अंदर 60 मिलियन सेल्स नया बनता है। उतना ही सेल्स मरते भी है। ये मरा हुआ सेल बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम कुछ भी नहीं करते, इनफ क्वांटिटी में पानी भी नहीं पीते हैं। खाना खाते हैं तो खाने का जो वेस्ट मटेरियल है स्टूल बन के अगला दिन सुबेरे टोटली अपना लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन होना चाहिए। अगर क्लीन नहीं हुआ तो खाना नहीं खाना चाहिए। कितना लोग उसको फॉलो करते हैं? वेस्ट मटेरियल किसी भी तरह का, पानी पी के यूरिन हो, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड हो, खाना खाने के बाद स्टूल हो, किसी भी तरह की वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रह जाना नहीं चाहिए। अगर रह गया तो समझ लो, राजू सर की भाषा में, दैट इज ए पॉइजन टू द बॉडी। हर कोई भी आदमी पॉइजन बॉडी में रखना नहीं चाहेंगे या लेना नहीं चाहेंगे। इसलिए क्लीनसिंग द बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमारा वेद नेचुरे, एक चम्मच सुबेरे एक चम्मच शाम को पियोगे तो आपका मरा हुआ सेल बॉडी से सब बाहर निकलता है। तो उसी के लिए वो प्रोपोर्शनली उसी तरह से बना हुआ है। और अगर ये मरा हुआ सेल बॉडी से नहीं निकला तो क्या होगा? ये सेल एक मैग्नेट भी होता है, हमारे बॉडी जो चलता है, जिसके लिए यस आई एम मिक्सिंग द बोथ द लैंग्वेज ओके ओके वी विल लुक इनटू इट। क्या है कि एवरीबॉडी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी, वरना आई स्पीक इन हिंदी, समबडी सेज यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, तो दोनों मिक्स में कर दे रहा हूँ। अदरवाइज ये नहीं हो पा रहा है तो चुन्ना सर क्या करेंगे, एक दिन इंग्लिश का रखेगा, एक दिन हिंदी में रखेंगे, दैट ऑल्सो बी कैन डू राइट। बट आज का मिक्स लैंग्वेज होगा क्योंकि मैंने बोल दिया मिक्स लैंग्वेज होगा। ये जो मरा हुआ सेल है, देखिए बॉडी को, अब आपका ब्रेन आपका हार्ट ये दोनों फंक्शन होना है तो मैग्नेटिक पावर भी चाहिए, जो हमको धरती से मिलता है मैग्नेटिक पावर। और एक इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी बॉडी से चलता है, 12.5 वोल्ट चलता है ब्रेन और हार्ट काम करने के लिए। पेसमेकर लगाते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग है, किसी को पेसमेकर तो आप लोगों ने सुना। पेसमेकर पता है क्या है? हमारे घर में जो फ्यूज लगाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी मीटर के साथ एक फ्यूज लगाता है, उसी तरह है हमारा पेसमेकर। पेसमेकर कंट्रोल्स द इलेक्ट्रिक सर्क्यूट इन द बॉडी। अब इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, मैग्नेटिक पावर भी चाहिए। जो मरा हुआ सेल है, उस सेल अगर बॉडी से नहीं निकला, उसके अंदर मैग्नेटिक पावर होता है और वो बॉडी के अंदर कहीं भी किसी भी ऑर्गन में जाके बैठ गया तो फर्दर मरा हुआ सेल को अट्रैक्ट करेगा। कैसे? जो मैग्नेटिक फील्ड वाला कोई भी मटेरियल आता है तो अट्रैक्ट करता है ना, उसी तरह से मरा हुआ सेल को अट्रैक्ट करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल में गांठ सा बन जाता है, विच बिकम्स ए ट्यूमर। वो ट्यूमर 2-3 साल में कैंसर बन जाता है। तो समझिएगा, एक दिन में किसी को कैंसर नहीं बनता है। ये ऑक्सीडाइज्ड, ये मरा हुआ सेल या ऑक्सीडाइज्ड सेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने की वजह से ही ये सिस्ट बनता है और सिस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 2 साल 3 साल में कैंसरस हो जाता है। कितना फीमेल्स आजकल ओवेरियन सिस्ट, ये सिस्ट, वो सिस्ट करके आ जाते हैं, गाइनी प्रॉब्लम रिलेटेड। उसका बेसिक रीजन क्या है?
वो बॉडी की गंदगी जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, इसको समझ लीजिए। इसी तरह से हमारी बॉडी जो है इतनी ऑर्गन में, हर एक ऑर्गन में डिफरेंट डिफरेंट सेल से बना हुआ है। हर एक बॉडी एक तरह का सेल नहीं है, करीब 200 से अधिक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेल्स है। 200 सेल है तो 200 न्यूट्रिएंट भी चाहिए। अब 200 न्यूट्रिएंट या 300 न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए तो हम एक दिन में कितने न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को देते हैं, किसी ने कैलकुलेट किया है क्या? 65 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एवरी डे चाहिए, बट हम कितने, हमारे खाने के जरिए कितना मिलता है? 20 से 25 मिलता है, और बाकी 40 न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे अलग अलग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। जैसे पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स को क्रोमियम चाहिए, हमारे किसी भी खाने के अंदर क्रोमियम नहीं है, किसी भी वेजिटेबल में क्रोमियम नहीं है। एक ही वेजिटेबल है, वो है ब्रिंजाल, जो बैंगन बोलते हैं, बट वो हमारे लोग जो है वो खाते नहीं है, क्योंकि गाय भैंस को देते हैं या बकरे को देते हैं, दूध ज्यादा मिलते हैं करके। अरे इंसान के लिए ही तो ये सारा कुछ बना हुआ है। और राजू सर ने क्या किया है कि ये मेडिसिनल प्लांट या फ्रूट या सब्जी की वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसको आइडेंटिफाई किया है। तर्क समझिएगा के अंदर हजारों मेडिसिनल प्लांट्स है, उसके अंदर से अभी तो सर ने 25 प्लांट का ही तो काम किया है, अभी इतना बड़ा काम और पड़ा हुआ है। उसको बॉडी को किस तरह से परफेक्टली, जो देखिए जो भी खाना खाते हैं अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता तो कोई फायदा नहीं। समझो डाइजेस्ट हो गया, अब्सॉर्ब नहीं हुआ तो फिर भी अगेन इट इज अ वेस्ट। जो भी खाना खाता है वो डाइजेस्ट होके अब्सॉर्ब होके सेल में अकॉर्डिंग टू द नीड, हर एक सेल को जो जो सर का हमेशा बोलते हैं कि प्रोबायोटिक वगैरह खाओगे तो ये गट बैक्टीरिया को हेल्थी बनाएगा। क्या प्रोसेस है वो? जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग सेल को चाहिए वो पहुंचाने का काम हो जाएगा। उस न्यूट्रिएंट्स को अगर सही तरह से हमारे हर एक सेल को नहीं मिला तो क्या होगा, ये कोई भी ऑर्गन आप ले लीजिए उसमें 20% 30% मरा हुआ सेल होगा, बाकी 60% या 70% हेल्थी सेल होगा। तो समझिए अगर 30-70 का रेशियो या 40-60 का रेशियो, क्या मरा हुआ सेल और हेल्थी सेल बॉडी में रहेगा तो 100% आपका ऑर्गन काम करेगा। आप अपनी बुद्धि में सोच लीजिए, अगर 100% सेल्स हेल्थी है तो आप हेल्थी है। अगर आपकी बॉडी में 10%, 20%, 30%, up to 40-50% तक मरा हुआ सेल है, डेड सेल है, तो वो अपना काम पूरी तरह से कर नहीं पाए। इसलिए हमारे प्रोडक्ट की जरूरत वहां बढ़ता है। हम फ्लैक्स ड्रिंक के लिए बहुत बोलते हैं, बहुत हर एक मीटिंग में हर एक पेशेंट को हम बोलते हैं फ्लैक्स ड्रिंक लेना है फ्लैक्स ड्रिंक, बट कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, अरे देखी तो हम वैसे भी पी लेते हैं बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर भी 30 साल का रिसर्च है किसी साइंटिस्ट का। एक कीमोथेरापी लेने का बराबर है हमारा एक ग्लास फ्लैक्स ड्रिंक इन द मॉर्निंग। जो भी व्यक्ति फ्लैक्स ड्रिंक लेगा उनका जो रिकवरी पीरियड है वो 3 महीने का है तो 2 महीने में या 1.5 महीने में हो जाए। इसलिए आप लोग देखिए, हमारा लोग हम जितना भी बोले लोग जो है वो बीमार लोगों को ही हमारा प्रोडक्ट देते हैं। हमारा 2 सेगमेंट है, वेलनेस और इलनेस, बट हमारा लोग जो है इतना क्रिटिकल केसेस लेके आते हैं, मैं रोज इतना केसेस फॉलो अप करता हूँ कि आईसीयू में पड़ा है, सीसीयू में पड़ा है,
खाना नहीं खा पा, उस स्टेज में भी हम हेल्थ सप्लीमेंट देख के उसको रिपेयर करना चाहते हैं, बट उसका पूरा प्रोटोकॉल आपको देखना होगा। कई सारा लोग मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, ऑफिस में भी करते हैं, सर को भी करते हैं, बट उसमें ये हमारा जो वेबसाइट है इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। टुन्ना सर भी हर मीटिंग में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, भैया इसके अंदर सब कुछ मेंशन है हमारी वेबसाइट के अंदर। पीछे मैं किसी को बात कर रहा था तो मैंने बोला वेबसाइट पढ़ा है, कहता खोल के ही नहीं देखा, कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने गया हुआ। तो हम उनको समझाते हैं, नो, हमारे साथ जो भी बिजनेस एसोसिएट है उनको वेबसाइट के अंदर जाके अलग अलग लैंग्वेज में इसलिए रखा हुआ, अलग अलग आदमी को उसको ठीक से समझ में आ जाए, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में 5-6 लैंग्वेज का हमने अभी तक प्रिपेयर कर चुका है, तो 3 लैंग्वेज तो ऑलरेडी लोड कर चुका है। उसके अंदर प्रोबायोटिक और आपका फ्लेक्स ड्रिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप वेद नेचुरे वेद इम्यून पीते हो वैसे ही आपको ये सुबह सुबह लेना ही लेना है। शाम को भी अगर बीमार है तो फ्लेक्स ड्रिंक लेना अच्छा रहेगा, 2 बार ले लोगे तो जल्दी रिकवर हो जाएगी। और हमारे सेल को जो जो जरूरत है वो न्यूट्रिएंट्स आपको देना है, और रात की टाइम का नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वेद इम्यूने से हमारा सिर्फ और सिर्फ TLC में ही काम होता है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो 5 तरह की सेल है उसको हेल्थी बना के रखना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगर मेरे पास जैसे वो नॉर्थ इंडिया में हम बोलते हैं छोटा होता है ना, ये क्या बोलते हैं, कट्टा बोलते हैं ना जो पिस्टल होता है ना, पिस्टल। अच्छा, हाँ, हाँ, येस, 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 क्या बोलते हैं, मैं गलत बोलूंगा, कट्टा बोलता है। अगर अगर चुन्ना जी के पास कट्टा है, मेरे पास AK-47 है, तो क्या होगा, इतना समझ लीजिएगा। दिस इज दैट डिफरेंस। द डिफरेंस इज अगर आपका TLC हेल्थी है, दैट मींस यू हैव AK-47 विद यू। अगर आपका TLC डाउन है, इल हेल्थी है, तो समझो आपके पास कट्टा है। समझ गया? So that is that important. TLC is very important. हमारा तीसरा प्रोडक्ट क्या है, वेद पावर है। अब कौन सा आदमी है जो बोलता है कि मेरे शरीर में एनर्जी नहीं चाहिए? टुन्ना जी भी बोलता है कि हमको एनर्जी चाहिए, क्यों, 18 घंटा 20 घंटा दिमाग लगाता है, काम करता है, भाग दौड़ करता है, नहीं तो क्या चाहिए? अगर एनर्जी चाहिए तो आपको वेद पावर लेना होगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन, हेल्थी आदमी की बात करता हूं मैं, ये भी समझ लीजिएगा। आप 15 ml देके, राजू सर तो बोलता है 5 ml भी काम करेगा, काम करेगा, 5 ml भी काम करेगा, 10 ml भी काम करेगा। सर बोलता है गरीब है तो सुबेरे नेचुरे दे दो, शाम को इम्यून दे दो, बट 6 महीना 8 महीना 9 महीना लगेगा रिपेयरिंग करते करते। जो हम हिसाब से जो 20 ml की कॉम्बो पैक बोलते हैं वो इस दिन कैलकुलेट करते हैं, भाई ये ऑर्गन फेल है, 20 ml का कॉम्बो पैक विद 2.5 ग्राम पाउडर के साथ सुबह और शाम, वो स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन है फॉर एनी सिक पीपल। जो हेल्थी आदमी है वो जैसे मर्जी पी ले, इम्यून पी ले, नेचुरल पी ले, सुबह पी ले, शाम को पी ले, मिक्स करके पी ले, सब बराबर अच्छा है। पर मगर अगर डिसीज्ड केस में आप दे रहे हो तो आपको कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। कि हम इतनी स्ट्रिक्टली क्यों बोलते हैं ये भी समझ लीजिए, कि हम ये नहीं चाहते मैं से मैनेजमेंट वेद एलिक्सर मैनेजमेंट, हम नहीं चाहते हमारी प्रोडक्ट लेने के बाद कोई आके हमसे बोले सर इससे हमको फायदा नहीं, यही पर्पस। आप सभी चाहते हैं कि आपके हाथों से जिसको भी प्रोडक्ट दिया उनको पूरी तरह से रिकवरी हो जाए, रिकवरी होना है पूरी तरह से टाइम बाउंड, ये समझ लीजिए, टाइम बाउंड रिकवरी होना है। जैसे मैं बोलता हूं 40 डेज के अंदर आपका लिवर टोटल रिपेयर हो जाए, टोटल
लिवर का सेल रीजनरेट हो जाता है 45 डेज मैक्सिमम, प्रोवाइडेड आप हमारा खाने का प्रोटोकॉल फॉलो करें। अब रोज क्या बोलूं, आई डोंट नो, पब्लिक में ऐसा बोल सकता है नहीं बोल सकता है, दारू पीने के बाद मेरा लिवर ठीक नहीं हुआ बोलने से क्या होगा सुग्रीवा जी, आप अलाउ करेंगे? नहीं कर सकेगा ना। मैं पंजाब में रहता हूँ, और हम तो दारू पीते ही है, तो हम बोलते हैं बाबा कहीं और चले जाओ, हमारे से नहीं होगा। आपको 2-3 महीने के लिए दारू छोड़ना पड़ेगा अगर लिवर रिपेयर करना है। अगर किडनी रिपेयर करना है तो आपको हमारा डाइट प्लान को वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। डायबिटिक है तो आपको कैलोरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर जिसने भी 2000 कैलोरी के अंदर अपना डेली इनटेक को कंट्रोल कर दिया, 2000 कैलोरी पर डे अगर जिसने भी कंट्रोल कर दिया, उनका डायबिटिक अपने आप ठीक हो जाए। 6000 कैलोरी 7000 कैलोरी अपना लोग खाते हैं, उतना कैलोरी खाने के बाद अगला दिन दौड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। मैं वॉकिंग करता हूं 4 किलोमीटर, मैं नहीं मानता हूं, सीधी सी साफ है। अगर आपने 2000 कैलोरी से ज्यादा अगर किसी दिन खाना खा लिया, गलती से हो जाता है कभी कभी, तो सेम डे आपको बर्न आउट करना पड़ेगा। सेम डे समझ लीजिए, अगर नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट डे मीन्स वो जो आपका एक्स्ट्रा कैलोरी लिया ना, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन करके कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर दिया। ये डिफरेंस है, टेक्निकलिटी मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको एक्स्ट्रा खाना खा लिया, जैसे वेंकटेश्वर आलू जी ने कभी पार्टी पे चला गया, कुछ ज्यादा मिठाई खा लिया या खाना खा लिया, तो उनको पता चल गया कि अरे यार आज थोड़ा ज्यादा खा लिया, तो क्या करना होगा कि शाम को ही वॉकिंग करना पड़ेगा, अगला दिन सुबह नहीं। सुबह का वॉकिंग इज गुड, बट कैलोरी बर्न करना है तो यू हैव टू बर्न ऑन द सेम डे। वो डिफरेंस समझ लीजिएगा, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है। 7500 कैलोरी एक्स्ट्रा जब डिपॉजिट हो जाता है, आपका 1 किलो वजन बढ़ जाता है। आप 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे तो उसको बर्न आउट करेगा 350 कैलोरी। आप समझ लीजिए उसका डिफरेंस एंड रेशियो। इसलिए हमेशा कोशिश ये रखना, कैलोरी इनटेक को कंट्रोल रखना है। उसमें क्या होगा कि आपका कैलोरी को आपने अगर बैलेंस कर ली तो आप समझो डायबिटिक है। अगर आपका तेल मसाला कंट्रोल कर दी, आपका लिवर में प्रॉब्लम नहीं। किडनी अगर इनफ पानी पी लिया, आपका प्रॉपरली यूरिन पास हो रहा है, तो आपका किडनी ठीक रहेगी। तो अगर आपका सारा ऑर्गन हेल्थी है तो आप हेल्थी हैं। और लोग पूछते हैं हमको इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है। दर्द के लिए कभी भी दवाई नहीं खाना, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होमियो हो, कोई दवाई नहीं खाना। दर्द हो गया तो क्या होना, थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, आधा घंटे का रेस्ट ले लो, हो जाएगा। ये दर्द क्या है, व्हाट इज पेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सेल को, प्रत्येक सेल को गुस्सा आता है तो वो रिएक्ट करता है। गुस्सा आएगा तो रिएक्ट करेगा ही, वही दर्द है। तो सेल को गुस्सा ना होना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन देना होगा, आपको पानी देना होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स देना होगा। ये सब कुछ देने के बाद अच्छी से नींद भी देना होगा। वो नींद हमारा बच्चे लोग नहीं देते है ना, आप समझ लीजिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, आईटी फील्ड हो गया ना आजकल, इतना फेमस हो गया आईटी, आईटी सेगमेंट में बहुत पैसे हैं, रात में काम करते हैं, रात में सोते नहीं दिन में सोते हैं, वो हमारे बॉडी को सूट नहीं करता, ये भी समझ लीजिए। तो ये सारा चीज आपको मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सारा हेल्थ फील्ड में है। किसी भी पेशेंट को जब आप बात करते हैं
वो आपको वैल्यू तब करते हैं आपका इंफॉर्मेशन राइट हो, आपकी मुंह से कभी गलत शब्द ना निकले। इसलिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं कि हमारे साथ जो भी एसोसिएट है उनको सही तरह की नॉलेज हो। कुछ लोग मेरे से बोला मैंने एक बोतल पिया, दो बोतल पिया, मेरे को ये फायदा नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, तो मैं पहले ही पूछता हूँ ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं नहीं करते, आप पानी पीते हैं नहीं पीते हैं, टाइम पे दिन तो आते हैं नहीं आते हैं, खाना क्या खाते, ये सब चीज समझना पड़ेगा। जैसे हमारे साथी कुछ लोग हैं खाने में बहुत परफेक्ट है, अच्छा मतलब चाय नहीं पीते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, तो बट खाने में भी वो बड़ा कंट्रोल करते हैं, फ्लैक्स ड्रिंक डेली मॉर्निंग में लेते ही हैं और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सब लेते हैं, और खाने का कैलोरी कैलोरी में इसलिए नहीं, किसी को चाट बना के देता है तो आप लोग मुझे गाली देगा, क्योंकि इतना बहुत कम खाने का ही हमारे शरीर को जरूरत है। 10 रोटी 12 रोटी खाने वाले हैं, साउथ में तो चावल खाने वाले का तो अनगिनत है, मैं बोल नहीं रहा हूं। तो राजू सर हमेशा क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुड बी लेस देन 40%, और आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाना होता है। खाना जो रोटी है या चावल है कुछ भी हो, उसकी जो क्वांटिटी है या कार्बोहाइड्रेट है वो टोटल खाने का 40% से नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर जो भी है वो प्रोटीन होना चाहिए, डिफरेंट वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए। हर एक वक्त आप जब खाना खाते समय वेजिटेबल फ्रूट्स का क्वांटिटी क्या ज्यादातर ध्यान रखें, और ये सब बेसिक चीज को आप ध्यान में रखेंगे कभी भी आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आए। अब लंबा क्लास तो मैं खींचूंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलोगे तो दिमाग में रहेगा नहीं, और ये सारा क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब में जाएंगे, और अगले बार आज तो मैं सिर्फ बेसिक्स बोला है, सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश किया है कि हमारा बॉडी का हर एक सेल रीजनरेट होता है, हर एक सेल रीजनरेट होता है, उसके लिए क्या क्या बेसिक कंपोनेंट आपको चाहिए वो सब आपको देना ही है, और बॉडी को इनफ रेस्ट देना है। नेटवर्कर बोल के सुबेरे नाश्ता नहीं करेगा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड, ब्रेकफास्ट जो है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है कि एक चाय हल्का सा थोड़ा चाय पी लीजिए, एक बिस्किट का टुकड़ा खा लिया तो ब्रेकफास्ट हो गया, नो, पूरा दिन का एनर्जी जो है ब्रेकफास्ट से मिलता है, और दोपहर का खाना कोशिश करना समोसा और पकावड़े में ना करें, है दोपहर का खाना अच्छा खाएं, आपका मनपसंद खाना खाएं, शाम का जो है 8 बजे से पहले खाएं और लाइट खाएं, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। इतना चीज को अगर आप बिल्कुल आप मानोगे, आप इसको फॉलो करोगे तो आप लोग सारा हेल्थी रह सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सेशन से हम लोग कोशिश करेंगे एक एक ऑर्गन के बारे में इन डिटेल में सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि हर सैटरडे हमारा क्लास होता है, उसमें आपको बेनिफिशियल मिल जाएगा। बेसिकली हमने आज सिर्फ सिर्फ बेसिक्स ह्यूमन बॉडी का बेसिक्स बताया। सो इन दिस रिगार्ड अगर आपको कोई भी सवाल क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, प्लीज जॉय सर प्लीज पार्ट में। या सो सर गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कुटी साहब। सो बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, और किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना है जो मतलब हम बता रहे थे उससे रिलेटेड, अपना हैंड रेज करें, मैं माइक अनम्यूट करता हूं, अदर क्वेश्चन पूछें। जिंदे नागेश ने हैंड रेज किया हुआ है, जिंदे नागेश अनम्यूट कर दे। सो जिंदे जिंदे नागेश जी, या प्लीज अनम्यूट योर माइक, वीडियो भी ऑन कर लिए,
राजमणि बिंद का जो है वीडियो ऑन कर ले और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजमणि बिंद जी क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? राजमणि बिंद, ओके। एस के मोहन अनम्यूट कीजिए माइक सबसे पहले। सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए सर। सिंस 60 डेज आई एम यूजिंग एंड माय वाइफ इज आल्सो यूजिंग 90 डेज के 5 डेज बाकी है। हमारा बॉडी वो क्या बोलता है जरा सॉफ्ट हो गया लेकिन वेट कम नहीं हुआ। आप वेट कितना कैलोरी लेते हैं एक दिन में? कैलोरीज भी परफेक्टली विजय मैडम के डायरेक्शन में परफेक्टली डाइट लेता है, फ्लेक्स सीड्स लेता है, फ्रूट्स लेता है, सब भी सब कुछ। लेकिन हमारे बीबी को वो पूरा गैस्ट्रिक ट्रबल है। तो आप वेद नेचुरे वेद इम्यून दोनों मिक्स करके पीते हैं, अलग अलग पीते हैं? मिक्स करके पीते हैं। जो जिसको गैस्ट्राइटिस अभी तक ठीक नहीं हुआ वो अलग अलग पिए, 15 मिनट के गैप में पिए। हमारा मेरा बीबी वाइफ को वाइफ अलग अलग पी ले इम्यून है अलग। यस यस, पहले इम्यून पिए 15 मिनट के बाद नेचुरे पिए। ये पावर सर? पावर नेचुरे के साथ ले ले। पावर नेचुरे के साथ? यस। 15 मिनट के बाद? यस। वाटर सर, मिक्सिंग ऑफ वाटर? वाटर आप मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके पीना ठीक रहता है, गर्म पानी। ओके सर। और पूरा दिन में कितना पानी पीते हैं? दो लीटर और 3 सर। कोई स्पेसिफिक बीमारी तो नहीं है? किडनी रिलेटेड? हमको डायबिटिक है नहीं, वाइफ को वो भी वाइफ को क्या? ड्राई नोस, ड्राई नोस। तो आप पानी का मात्रा बढ़ाइए। पानी बड़ा चाहिए। यस, 2 लीटर पी रहा है तो 3 लीटर कर दीजिए। हां अंजना परिजा माइक कन्वर्ट कीजिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए बोलिए। वीडियो भी ऑन कर ले तो अच्छा रहता है। ओके सर। यस टेल मी। ओके थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर सर। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट प्रोडक्ट। I am using the product from last 15 days. Okay, sir. Okay. What purpose? Actually, my wife has a Raynaud's problem. Can it be beneficial for this? Yes, 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 yes. Definitely. Kitna ml le rahe hain? Raynaud's problem. 15 ml natural and 15 ml immune. 15 plus 15 hai ya 15 morning 15 evening le rahe hain? नहीं, 15 प्लस 15 मिक्स करके कॉम्बो पैक। मॉर्निंग में भी ले रहे हैं, इवनिंग में भी ले रहे हैं? नो नो, ओनली मॉर्निंग। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको इवनिंग में भी लेना है। अच्छा, 15 15। यस यस, 15 15 इवनिंग में ले लीजिएगा और फ्लैक्स ड्रिंक मॉर्निंग में ले लीजिए। अच्छा अच्छा, कैन इट बी बेनिफिशियल फॉर रेनर्ट्स? या या, रेनर्ट्स रेनर्ट्स। यस 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 यस, 100% चौहान साहब। ओके थैंक यू। हाँ चौहान जी किधर हैं? एस एस चौहान सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बोलिए सर। मैं ये थोड़ा सा ये चाह रहा था, जैसे वेट लॉस के लिए अपना क्या कॉम्बिनेशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा? एकदम 20 ml कॉम्बो मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसको या 20 मॉर्निंग में नेचर ले ले, इवनिंग में इम्यूनो ले ले, ऐसे चल सकता है? चल सकता है। देन 25 ml कम से कम मॉर्निंग में, 25 शाम को लेना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे लेना पड़ेगा। yes. एक ही है, एक डायबिटिक पेशेंट है, उनके क्या है तल में है ना पैर के, उसमें बहुत जलन होता है। हाँ, तो और पानी जो... कम पी रहा है, पानी कम पी रहा है इसलिए जलन हो रहा है। अच्छा क्या?
पानी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और डायबिटीज के लिए। जलन के लिए प्रोडक्ट कौन सा ठीक रहेगा उनके लिए, कैसे कॉम्बिनेशन? देखिए हम कोई भी एक सिंगल सिम्टम के लिए प्रोडक्ट नहीं देता, होल सिस्टम होल बॉडी के लिए देते हैं। जलन ठीक है, उनको डायबिटीज है, उनको डायबिटीज है, इसकी वजह से जलन। जिसको भी डायबिटिक ज्यादा होता है उसको जलन हो जाता है जी, वो जलन को कंट्रोल करने के लिए ही पानी का जरूरत है। ठीक, अच्छा अच्छा, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट विजय कुमार। विजय कुमार एक रहे, विजय कुमार जी नमस्कार, बिहार से बोल रहा हूँ सर। बोलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो यहाँ सर, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिएगा। नमस्ते सर, अब बोलना सर यह कि हमारे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी का सर मेंस इरेगुलर पीरियड हो जाता है। डॉक्टर का कहना है कि मेंस यदि आपका सही हो जाता है, रेगुलर होता है, तो बच्चे हो सकते हैं। तो क्या अपने मेडिसिन से कोई संभावना बन सकती है? बिल्कुल बन सकता है, तीनों का कॉम्बिनेशन दे दीजिए, उनका खाने का देख लीजिएगा, सुपर डाइट को फॉलो करिएगा। ओके सर, सुपर डाइट फॉलो करें और हमारा तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ले लें। जी सर, रेगुलर हो जाएगा। यस जी सर, जी सर, मैं जाफरी को धन्यवाद देना चाहूंगा सर, आज आपके सीखने के लिए उन्होंने लिंक भेजा था। थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, मेरे मैं यहाँ पर अभी हिमाचल में आया हुआ हूँ, हमारी एक फ्रेंड की सिस्टर है, तो उनको जो है गाल ब्लैडर में 14 एमएम की पथरी है। डिसॉल्व हो जाएगा, कॉम्बो दे दीजिए विद पावर। कॉम्बो कैसे देना है? 20 ml ईच मॉर्निंग एंड इवनिंग विद 2.5 ग्राम विद पावर, और जितना पानी पी सकता उतना पी ले, और ऑयली फूड और स्पाइसी फूड अवॉइड कर दे। अच्छा, ऑयली फूड और स्पाइसी फूड अवॉइड करें। यस, अभी मैंने कॉम्बो पैक लाके दिया, तो उनको विद पावर जो है पावर देना होगा। यस यस यस, और उनको थोड़ा हल्का डायबिटीज भी है, वो अच्छा हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। हल्का सा अस्थमा भी है, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी यही आया था। थैंक यू। आर के इधर है, आर के है, वीडियो ऑन कर दीजिए। कर दिया आर के ने। विजय गुरम है, विजय गुरम, विजय गुरम अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए सर, जो हमारी एक भांजी है 11 साल की, अभी 2 साल पहले उनको टॉन्सिलाइटिस है और अस्थमा है। टॉन्सिलाइटिस के वास्ते तो बहुत से डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि कंपलसरी ऑपरेटेड, चेस्टो में ऑपरेटेड। अभी ऑपरेशन किया तो नहीं है? नहीं, नहीं किया सर, नहीं किया है। तो हमारा वेद कितना साल का बच्चा है? अभी 11th ईयर रनिंग बच्चे, 11 ईयर है। 15 ml कॉम्बो दे दीजिए विद पावर, विद पावर। अभी 15 ml इम्यून, 15 ml नेचुरल और विद 15 ml इम्यून। हां, विद पावर कितना देना सर? विद पावर आधा चम्मच, छोटी चम्मच के आधा चम्मच। तीनों को मिक्स करना सर? तीनों को मिक्स करना है, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग। 15 ml बच्चे को दे सकते हैं? अरे जब बोल रहा हूँ तो दे सकते हैं ना। ओके ओके सर, ओके सर। बच्चे हम 6 महीने के बच्चे को भी देते हैं, ठीक है? ओके सर, इतना सेफ है हमारा प्रोडक्ट, समझ लीजिएगा। ठीक, थैंक यू। यस, नेक्स्ट जय सर, पूछ रहे। अभव सर हैं, अभव सर, या पूछिए सर। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सर पूछिए। नमस्कार, मेरी वाइफ को स्क्रैचेस हैं। क्या है?
सर मेरी उम्र 47 है और अभी जस्ट एक 1 या 2 महीने पहले रिपोर्ट करवाया तो रूमेटो आर्थराइटिस होता है ना वो मेरा ज्यादा आया है। कितना तो है? आर फैक्टर कितना है? 84। ठीक है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन आपका प्रोडक्ट है, अभी मैंने 1 वीक से चालू किया है। कोई फर्क तो, नजर आया? सर हाँ, थोड़ा वो जो पेन होता है जॉइंट में वो थोड़ा हल्का हो गया होगा। हाँ जी सर, जी सर। आप निश्चिंत होके लीजिएगा, हमारा राजू सर इन्वेंट करने का जो पहला कारण ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। सर को भी यही प्रॉब्लम था, पेनिडियोल इंजेक्शन 72 लाख यूनिट तक 3 वीक्स में लेते थे, वंस इन 3 वीक। उसी वजह से सर ने ये रिसर्च करना शुरू किया और निश्चित रूप से आपको भी रिजल्ट हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट कितनी मात्रा में लेनी है, मेरे को डाइट में क्या खाना है क्या नहीं, और आपको रूटीन कैसा होना चाहिए? आपका तो, जिसने प्रोडक्ट दिया उनसे पूछ लीजिएगा जी, कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। गुजरात में आपको जिसने भी प्रोडक्ट दिया उनको पूछ लीजिए, वो देखिए उसमें वेरिएशन होता है, 15 ml भी होता है, 20 ml भी होता है, मैं कहीं कहीं किसी के 30 ml भी देता हूँ, ठीक है ना? जी। अभी आपको कितना ml पीने के लिए बोला गया है? 15 ml ले रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही ज्वाइन किया है सर। हाँ तो कोई बात नहीं, आप 15 ml ही ले लीजिए, मॉर्निंग और इवनिंग ले लीजिएगा, बट फ्लैक्स ड्रिंक आपको जरूर लेना है। वेबसाइट में जाके स्टडी कर लीजिएगा, उसमें फ्लैक्स ड्रिंक बनाने का तरीका भी दिया हुआ है और आप सुपर डाइट करके एक प्लान है, वो डाइट प्लान उसी पे से ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए सर। ये 5 days बैक का एक किडनी पेशेंट आए थे, उन्हें विद्या मैडम के सजेशन के लिए सजेशन पूछ के उन्हें प्रोडक्ट दी हूँ, तो कल फर्स्ट डे यूज करने में वॉमिट नहीं हुआ किडनी पेशेंट को, और कल आज वॉमिट हो रहा है सर, इसके लिए थोड़ा सजेशन दीजिए सर। और एक छोटी बात रिक्वेस्ट है, और एक रिक्वेस्ट है कि फ्लैक्स सीड्स ड्रिंक में जो हमें डाइट बुक दिए हैं उसमें तो उसी मचेगा मेथड मींस फ्लैक्स सीड्स ड्रिंक में कर्ड कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है सर, पर कर्ड तो नहीं यूज करना है ना सर, किडनी पेशेंट है उसके लिए चबाने के लिए बोली हूँ मैं, साफ कर थोड़ा सा पानी पीने के लिए, तो सही क्या या नहीं? आपका उनका रिपोर्ट भेजना होगा, उनका रिपोर्ट क्रिएटिनिन लेवल कितना है? ली हूं सर। आपने लिया है तो आपने आगे किसी को फॉरवर्ड किया है? मैडम जी को फॉरवर्ड करी हूं। मैडम जी ने क्या बोला? दादा पीर सर को फॉरवर्ड करके, हाँ दादा पीर इज एन एक्सपर्ट, दादा पीर को दे दें तो उनको कोई डाउट होगा तो वो मेरे से क्लियर कर दे। ठीक है सर, वो वॉमिट तो हो रहा है सर, और वोमिट हो रहा है तो वोमिटिंग ना होने के लिए मेडिकल शॉप से एक गोली जो भी अवेलेबल है दवा लेके आप दे सकते हैं, ठीक है, खाने से आधा घंटा पहले दे सकते हैं ताकि उनका खाना रुके ना। ठीक है, थैंक यू। या केएल मीना जी। केएल मीना जी, केएल मीना जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार। एक्चुअली सर मैं अभी 1 वीक से ही तीनों प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और एक्चुअली मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट ऑपरेशन हुआ हुआ, एक स्टंट डला हुआ है। ओके। मैं मतलब एलोपैथी मेडिसिन छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए ले रहा हूँ। छोड़ दीजिए, अगर आपको विश्वास हो गया तो छोड़ दीजिए बिल्कुल, कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं। वो भी मतलब काफी दवाएं ले रहा हूँ, उसके अलावा मैं सब कुछ बंद कर सकते हैं। बीपी पेशेंट को एक्चुअली मैं 15-15 ml कॉम्बो दोनों टाइम और वेद पावर आप बिल्कुल ले रहा हूँ।
आप ठीक है, आप कितना दिन हुआ? 15 दिन के बाद आपका मेडिसिन 50% कर दीजिए, एक महीने में पूरा उठा के फेंक दीजिए, ठीक है? अच्छा 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 सर, एक कॉन्फिडेंटली फेंक सकते हैं आप इनको, मतलब सर खाने के बाद जैसे कोम्बो को पानी में मिक्स करके लेता हूँ तो खाने के बाद लेना चाहिए पहले? खाने से पहले हमारा हर प्रोडक्ट खाली पेट होता है। अच्छा सर, फॉर बेटर रिजल्ट। हाँ मैंने सर कल ही लिया था सर, खाली पेट लिया था, थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा एसिडिटी फीलिंग आई थी। नहीं नहीं, तो पानी मिला के गलती कुछ नहीं हुआ, पानी मिला के ले लीजिए। अच्छा सर ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट रजनीश गुप्ता जी। रजनीश गुप्ता जी, ओके। राजा राम यादव जी, गुड इवनिंग सर। एक्चुअल में सर आवाज आ रही है? बोलिए। तो सर एक्चुअल में याद कर रहा था उसपे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किया था कि क्वेश्चंस ये था कि सर हम अपने बॉडी में जो सेल्स पर डे कितना जनरेट है या कितना रिपेयर हो रहा है, हमें ये बात कैसे पता चलेगा? आप कितना ऑक्सीजन लेते हैं सर? हाउ कैन बी, मतलब हम कैसे इसको ऑब्जर्व करें? कितना आप ऑक्सीजन लेते हैं, कितना डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करते हैं एक दिन में? सर एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन लेते हैं आप? सर लेते तो हैं, पर मतलब परफेक्टली हमें समझ में नहीं आता कि कितना ले पा रहे हैं। आप हर एक घंटे में 5 मिनट डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कर लीजिए, जिस तरह से रामदेव बाबा बोलते हैं। अच्छा ठीक है ना, उससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ओके राइट, ओके सर। सेल रीजनरेशन को कभी भी काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन बी आप तब भी समझ में आएंगे कि आप एनर्जी रहेंगे, एनर्जी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर, राइट, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए ऐसा है कि हमारा जो कैलकुलेशन है, 1 घंटे में क्लास खत्म करना है, इसलिए 1 घंटे से ज्यादा जाएंगे तो लोग अगले हफ्ते से नहीं आएंगे। यस सर बिल्कुल। सो दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अनदर 5 मिनट और है, अनदर 5 मिनट और है, जल्दी जल्दी पूछिएगा। नमस्ते नमस्ते, कुछ नहीं बोलना, सीधा सवाल पूछो। मिस्टर आर के, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। मेरा नाम रामकृष्ण, फ्रॉम तेलंगाना, करीमनगर सर। बोलिए सर, ये कॉन्स्टिपेंसी के लिए कैसे काम आएगा सर? कॉन्स्टिपेशन के लिए पानी ज्यादा पियो। ओके, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है, आपकी बॉडी में इनफ वाटर नहीं है, इतना ही समझना है। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, आप समझ लीजिएगा, कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है। जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना पानी न पीने की वजह से स्टूल में से और ये जो लिक्विड है वो बॉडी अब्सॉर्ब कर देते हैं, तो स्टूल जो है हार्ड हो जाता है, हार्ड होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। सिंपल पानी पीने के लिए तो हम बोलते हैं सर। okay, पानी का ध्यान रख लीजिएगा। थैंक यू। मुकेश कुमार जी, सैलेड ऐड कर लेना। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार। सर एक 2 साल का बच्चा है, उसे इंसुलिन लग रही है, तो उसके बारे में? नहीं, वो आपको रिपोर्ट देना होगा, और आप मैं उस पेशेंट को और उस पेशेंट का पेरेंट्स को मेरा जूम क्लास में लाना होगा, ठीक है? वो टाइप 1 डायबिटिक हम ब्लाइंडली नहीं बोल सकते। टाइप 1 डायबिटिक मैं आज क्लास में भी बोला था, वो कोई बर्थ डिफेक्ट होगा तो हम रिपेयर कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनसे डायरेक्ट बात करना जरूरी है। और सर एक बच्चा है जिसे 15 साल का टीबी है, उसके लिए तो आप रिपोर्ट उसका भी देना होगा। आप कहाँ से हैं? आपका अपलाइन को भेज दीजिए, मेरे तक पहुंच जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। यूपी से हूं सर।
हाँ आप अपने अपलाइन जो भी है आप उनको दीजिएगा, वो उसको बताइए इंफेक्शन है। टीबी 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 इंजेक्शन टीबी जो का बीमारी जो है 100% रिवर्सिबल है, क्योरेबल है। ठीक है, हेलो, या यस सर, यस थैंक यू, नेक्स्ट। यस यस, कौन है महाराज? देखिए आप लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन करके रखते हैं? जो लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनका सवाल हम नहीं लेंगे। राम कुमार कौन बचे हैं? राजा नाम यादव जी, क्या पूछना है पूछिए। नमस्कार, बोलिए। आपकी आवाज साफ नहीं है। हेलो, हाँ ठीक है, आप भेज दीजिए अपना प्रॉब्लम को मैसेज करके अपने। अभी आप जो भी सवाल है आप ही चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको सबको रिप्लाई कर देता हूँ वन बाय वन। अभी वन मिनट में दे रहा हूँ टाइम सभी को। जो भी प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, उसका रिप्लाई कर देता हूँ। रिप्लाई अभी हो जाएगा नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा, क्योंकि समय और दो तीन चीजें नोट कर लीजिए। अगला क्लास से मंडे राजू सर की क्लास में और सैटरडे मेरे क्लास में दो तीन रूल है। वो रूल यह है कि आप लोग हमारे साथ एसोसिएट है तो हर किसी को वीडियो ऑन करना होगा। प्रॉपरली ड्रेस कोड होनी चाहिए, ऐसा नहीं धोती और बनियान पहन के कोई भी वीडियो ऑन करें, क्योंकि आप लोग वीडियो ऑन करने में इसलिए पीछे हटते हैं कि प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लिख लीजिए और 5 मिनट पहले एंट्री करना है। 7 बजे की है तो 5 मिनट पहले, आज 10 मिनट पहले सर ने चुन्ना सर ने वीडियो ऑन कर लिया था, तो कोशिश करना जो भी हमारे मेंबर्स है ये सारे डिसिप्लिन आपको देखना है। और 1 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होगा, 45 मिनट का लेक्चर होगा, 15 मिनट का सवाल जवाब होगा। ठीक है सर, सुना सर? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So... और जितना भी सवाल है आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपकी जो भी डाउट्स है इंस्टेंटली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। करेक्ट, गुड सर, गुड। आप सभी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कमिंग मंडे, मतलब फर्स्ट को, कमिंग मंडे 1st अगस्त है। सो 1st अगस्त को हमारा अगेन सेशन है, खुद राजू सर सेशन को लेंगे और डिजीज वाइज है जो कल मैं अनाउंस कर दूंगा कि कौन से प्रॉब्लम के बारे में सर हम एड्रेस करेंगे मंडे को। तो आप सभी लोग रेडी रहें अगेन मंडे को मिलने के लिए। हमारा एक ही मकसद है इस मीटिंग का, जो हमने वीकली ट्वाइस रखा है, 2 दिन रखा है सप्ताह में, मंडे को एंड सैटरडे को, कि आपके नॉलेज को अपग्रेड किया जाए, आप कुछ सीख कर जाए यहाँ से, एंड सीख कर जाएंगे तो लोगों को सिखाएंगे। सर बोलते हैं ना, सर हमारे बोलते हैं राजू सर की हम एक आदमी को अगर सिखाए तो वो 1000 आदमी को 10,000 आदमी को सिखाएगा, तो वो काम करने की जरूरत है। इसी पर्पज से हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है कि जो भी आपके मन में सवाल है टेक्निकली, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने इन डिटेल्स में आपको समझाया जो बेसिक्स है, अगेन हम लोग ऑर्गन वाइज आएंगे एवरी वीक, सो एवरी वीक कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। सो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयर करें हेल्थ के प्रति एंड उनको ज्वाइन कराएं इस मीटिंग में, ताकि वो भी अपना नॉलेज को अपग्रेड कर सके। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का ये सपोर्ट है जिसके वजह से हम इतने फास्ट मूव कर रहे हैं एंड हर एक चीज़ को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ग्राउंड लेवल तक इसको लेके जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करें और लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।